राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर भी बापू का अपमान। नमस्कार, मैं अव्या सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज ही के दिन यानी 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन बापू की पुण्यतिथि के दिन पर भी बापू पर विवादित टिप्पणी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी के प्रयागराज के धर्म सांसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया गया है। वाराणसी की काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बापू को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग शहीद हो गए तो आखिर महात्मा गांधी को कभी कोई चोट क्यों नहीं आई, उनकी एक उंगली तक क्यों नहीं कटी। उनके मुताबिक महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए कभी कोई काम नहीं किया, बल्कि वह तो अंग्रेजों की मदद का काम करते थे। उनके मुताबिक देश को आजादी महात्मा गांधी की वजह से नहीं बल्कि क्रांतिकारियों की वजह से मिली थी। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की वजह से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वह था सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र तो हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रपिता कतई नहीं हो सकते। अगर वह राष्ट्रपिता है तो यह बताया जाए कि राष्ट्रमाता कौन है। इतिहास में भी उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। उनके इस महिमामंडन से तमाम क्रांतिकारियों की कुर्बानियां महत्वहीन साबित होती है। यह अमर्यादित टिप्पणी व बयानबाजी न सिर्फ धर्म सांसद में की बल्कि इसके बाद भी वह अपनी बात पर अडिग है। धर्म सांसद के बाद एबीपी गंगा से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में भी स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से साफ इनकार करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि वह यह बात कहने से कतई पीछे नहीं हटने वाले और ना ही वह किसी से डरते हैं। महात्मा गांधी को लेकर यह कड़वा सच है और यह सच वह कहते रहेंगे। स्वामी नरेंद्रानंद ने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के आरोपी यती नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी को जल्द ही जेल से रिहा नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी है और उत्तराखंड सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में की गई यह बयानबाजी आने वाले दिनों में विवाद खड़ा कर सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज। धन्यवाद।